सबको नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर में सब लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 59 नए केसेस आए हैं और अब दिल्ली में टोटल 445 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। एक बार सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करें तो इसमें 445 में दिल्ली के जो दिल्ली में एक दूसरे को छूने से कोरोना हुआ, उस तरह के दिल्ली के केवल 40 केस हैं। 445 में से दिल्ली के केवल 40 केस हैं जो कि दिल्ली में एक दूसरे को छूने से हुए हैं। बाकी सारे केसेस या तो मरकज के हैं और या विदेशों से जो लोग आए थे। आप लोग को याद होगा कि पिछले महीने दो महीने से जितनी फ्लाइट्स विदेशों से भारत आ रही थी, भारत में आने के बाद उनको एयरपोर्ट से सीधा 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाता था। तो उनमें कुछ लोग पॉजिटिव निकलते थे, उन लोगों को फिर अस्पताल ले जाया जाता था। तो विदेशों से जो लोग कोरोना का की बीमारी लेके आए और मरकज़ के जितने मरीज थे, इन दोनों को अगर निकाल दो तो दिल्ली के अंदर जो एक दूसरे को छूने से दिल्ली वालों के जो केस हुए, वो 445 में से केवल 40 केस हैं। ये मेरे लिए एक ऐसी बात है जो कि मुझे मेरी चिंता को दूर करती है कि अभी दिल्ली में केसेस फैलने लगे, कोरोना फैलने नहीं लगा है। दिल्ली में कोरोना अभी कंट्रोल में है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। इसमें 6 लोगों की अभी तक टोटल मौत हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है, इसकी सारी एनालिसिस आज हम लोगों ने की, जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन उसके पहले जो हमारे टोटल मरीज इस टाइम अस्पताल में एडमिट हैं, उसमें से 11 आईसीयू में हैं और 5 वेंटिलेटर में हैं। इनको हम कह सकते हैं कि थोड़े सीरियस हैं, बाकी सबकी हालत स्थिर है। इसे अभी हम लोकल ट्रांसमिशन कहेंगे, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन लोगों को कोरोना अभी तक 40 केस जो मैंने बताया दिल्ली में हुए, इन लोगों को जो कोरोना हो रहा है, हमें पता है कि इसको इससे हुआ, इसको इससे हुआ, इसको इससे हुआ। जब ये पता करना मुश्किल हो जाए, इतने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल जाए कि ये पता नहीं कि किसको किससे हुआ और अचानक मुझे आज हो गया कोरोना लेकिन मुझे नहीं पता किससे हुआ, तो तब कहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया। लोगों को आपस में एक दूसरे से होने लग गया और पता नहीं किसको किससे हुआ, तब कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर अभी लोकल ट्रांसमिशन है, दिल्ली के अंदर अभी स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के अंदर लोगों को अभी बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे से कोरोना होना चालू नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगभग 2300 मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था, उन सब लोगों को, उनमें से 500 लोगों को हमने अस्पताल में एडमिट कराया जिनके सिम्टम्स हैं, खांसी के, सांस के, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फीवर है, उन लोगों को 500 लोगों को हमने अस्पताल में भर्ती कराया। 1800 लोगों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इन सब लोगों के 2300 लोगों के टेस्ट हम करवा रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर इनके टेस्ट के नतीजे आएंगे। हो सकता है उसके बाद एकदम से दिल्ली के पेशेंट्स बढ़ जाएं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, चिंता उस बात की है, वैसे सब लोगों की हमें चिंता है, जो मरकज़ के लोग हैं उनकी भी चिंता है, जो फॉरेन से आए थे उनकी भी चिंता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि दिल्ली के अंदर ये कोरोना फैलना नहीं चाहिए। फैलने से किसी भी हालत में रोकना है, उसको अभी तक हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। मैं अब आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करना चाहता हूँ। 6 दिल्ली के अंदर कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। इन 6 में 3 मरकज़ के थे और 3 दूसरे थे। इन 6 में से टोटल 5 60 साल के ऊपर की उम्र के थे और एक 36 साल की उम्र के थे।
इन 6 में से 5 को कोई ना कोई दूसरी बड़ी बीमारी थी। एक को लिवर की बीमारी थी, एक को शुगर की बीमारी थी, 2 को सांस की बीमारी थी और 1 को दिल की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी। तो जो एक सुनने में आता है कि एक तो बुजुर्गों को संभल के रहना है, 55-60 से ऊपर की उम्र के लोगों को संभल के रहना है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती, अपना ख्याल रखें, हमें आपकी बहुत चिंता है। अंदर रहें, लोगों से ना मिलें, कम से कम मिलें, ये बड़ा नाजुक दौर है। तो एक तो जितने भी 55-60 से ऊपर की उम्र के हैं, सब लोग बच के रहें, अपने आप को संभाल के रखें, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और दूसरा, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, कोई और ऐसी सीरियस बीमारी है, उन लोगों को अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। उनके लिए कोरोना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे सब लोग अपने आप को बचा के रखें। मेरी पहली कोशिश है कि कोरोना बिल्कुल ना फैले दिल्ली के अंदर। कोरोना को फैलने से रोकना है, इसको फैलने से रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाए तो मेरी दूसरी कोशिश है कि वो सही सलामत होके, ठीक होके अस्पताल से अपने घर चला जाए। कोरोना से होने वाली मौतों को रोकना मेरी दूसरी कोशिश है कि कोरोना से कम बिल्कुल मौत नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हो। तो कोरोना के एक एक पेशेंट, जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं, मेरे पास दिल्ली के हर कोरोना के पेशेंट की सारी हिस्ट्री है, मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, एक एक पेशेंट पे नज़र रखे हुए हम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने सीरियस पेशेंट्स हैं उन सबको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कल हम लोगों ने 6,63,928 लोगों को लंच कराया था और 6,78,544 लोगों को हम लोगों ने डिनर कराया था। जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने 10 लाख लोगों को लंच या डिनर कराने का इंतज़ाम किया है। अब इंतज़ाम ज़्यादा हैं, लोग कम आ रहे हैं, तो जितने भी लोग आएंगे किसी को भी दिल्ली के अंदर हम भूखा नहीं मरने देंगे। जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो अपने अपने स्तर पे, कोई 200 पैकेट बांट रहा है, कोई 400 पैकेट बांट रहा है, कोई 1,000 पैकेट बांट रहा है, कोई 10,000 पैकेट बांट रहा है। यही टाइम है धर्म का काम करने का, पुण्य का काम करने का। भूखे को खाना खिलाने का बहुत पुण्य होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को भूखे मत मरने देना। हमने कहा था जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, ऐसे 71 लाख लोगों को, हर व्यक्ति को हम लोग 7.5 किलो 7.5 kgs 7.5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं हर व्यक्ति को, 71 लाख लोगों को, 71 लाख लोगों को। लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे भी बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कल से हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर बहुत छोटा सा एक फॉर्म बनाया है, उसको आप भर दीजिए और आप रजिस्टर हो जाएंगे। आप पूछेंगे रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत केवल इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते, अगर हम वैसे ही बांटना चालू कर दें तो एक एक आदमी 10-10 बार आके राशन ले लेगा, इतना राशन है नहीं। तो जिन लोगों को राशन मिल गया उनको दोबारा कोई लाइन में आ जाए, तीसरी बार लाइन में आ जाए, इसको रोकने के लिए केवल ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो 6.5 लाख लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, उन सब लोगों को हम अब राशन दे देंगे। इसके अलावा कल से जब से वेबसाइट खुली है लगभग 40-50 हज़ार लोग रजिस्टर कर चुके हैं कल से, और भी जितने लोग रजिस्टर करेंगे, जितने लोग उसमें, केवल 3-4 बहुत छोटा सा फॉर्म बना दिया है। मेरी निवेदन है सब लोगों से जो कि कोई भी खुद भी भर सकते हैं, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने सामर्थ्य लोग हैं, अपने आसपास जितने गरीब लोग आपको दिखाई दें जिसको राशन की ज़रूरत हो, सबसे ये फॉर्म भरवा दीजिए, सबको रजिस्टर करा दीजिए।
मुझे उम्मीद है कि बुधवार या बृहस्पतिवार से आप सब लोगों को भी राशन मिलना चालू हो जाएगा। 5-5 किलो राशन प्रति व्यक्ति फ्री में दिया जाएगा। और दिल्ली के अंदर जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि विदेशों से बहुत लोग आए, जिन लोगों का बोझ, जिन लोगों की जिम्मेदारी, बोझ नहीं कहूँगा मैं, बोझ गलत शब्द है, जिन लोगों की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों को उठानी पड़ी, मरकज़ के अंदर से 2300 लोगों को निकाला गया और अब 23 में से उम्मीद है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकलेंगे। तो अचानक से बाकी सारी चीज़ों का तो हम इंतजाम कर रहे हैं, अचानक से पीपीई किट जो है उसकी काफ़ी कमी हो गई है। और मैं खासकर अपने डॉक्टर्स और नर्सेज और सारे स्टाफ को लेके बहुत चिंतित हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी डॉक्टर या नर्स को बिना पीपी के इनका इलाज करना पड़े, कोरोना के किसी भी मरीज का इलाज करना पड़े। तो कल हमने केंद्र सरकार को लिखा भी था, केंद्र सरकार से अभी तक हमें एक भी पीपी नहीं मिला है। कल हमने केंद्र सरकार को लिखा था कि हमें पीपी किट्स तुरंत इमीडिएटली अर्जेंटली मुहैया कराए जाएँ ताकि हमारे डॉक्टर्स मरीजों का बिना किसी डर के इलाज कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।